दोस्तों, हमारे चैनल पर कुछ ऐसे नए सब्सक्राइबर्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक का नया नया काम स्टार्ट कर रहे हैं या फिर सीख रहे हैं। तो उनमें से ही काफ़ी लोगों की कमेंट आई थी कि भाई फ्री डिस्क का जो सप्लाई होता है उसको रिपेयर का एक वीडियो बनाओ। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास कोई भी सप्लाई अभी ख़राब तो नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और जितने भी लगभग 100 में से 90% जो फॉल्ट हमारा सप्लाई से आता है तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, भले ही वो प्राइमरी सेक्शन का हो या फिर सेकेंडरी सेक्शन का हो। इसके दो सेक्शन होते हैं, वो तो अभी आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज के साथ इलेक्ट्रिकल नॉलेज और साथ में आपको मोबाइल रिपेयरिंग भी सिखाई जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास डीडी फ्री डिस्क में इस्तेमाल होने वाली दो तरीके की सप्लाई है, या SMPS जिसे आप बोलते हैं, तो ये अलग है और ये बिल्कुल अलग है। हाँ, ये दोनों बिल्कुल सेम है। इसको रखता हूँ साइड पे ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ये दो तरह से हमारे पास फ्री डिस्क में सप्लाई इस्तेमाल होती है, एक चाइना वाली होती है और एक इंडिया वाली होती है। कोई सी भी हो, आपको सिर्फ यहाँ पर मैं ट्रिक बता दूंगा और साथ ही जब मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आएगा तो आपको प्रैक्टिकली भी करके बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें, चलिए सबसे पहले चलिए इसी में बताता हूँ मैं, बात वही पड़ेगी, आपको उसमें भी समझा दूंगा। यहाँ पर किसी भी सर्किट बोर्ड में दो सेक्शन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद सेकेंडरी जो है डीसी जितना चाहिए होता है, कहीं पर 5 वोल्ट, किसी पर 8 वोल्ट, किसी पर 10 वोल्ट, किसी पर 12 वोल्ट, तो वहाँ पर डीसी का काम यही रहता है कि जगह जगह के लिए, हर जगह के लिए उतनी सप्लाई बनाना जितना वो वहाँ रिक्वायरमेंट है। तो इसी में नहीं, हर किसी पीसीबी में रहता है। आपको एक दूसरी पीसीबी में यहाँ पर दिखाता हूँ, या सर्किट बोर्ड जिसे आप कहते हैं, एक डीवीडी का सर्किट बोर्ड मेरे पास है, आप देख सकते हैं, ये देखिए डीवीडी का है। तो ट्रांसफॉर्मर से इधर का जो है प्राइमरी और यहाँ का सेकेंडरी, तो इसके जस्ट पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसके लाइनिंग बनी हुई, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। तो ये तो आपने समझ लिया, अब करते हैं इसके फॉल्ट की बात। चलिए सबसे पहले ज़्यादातर इसमें फॉल्ट जो आता है फुल शॉर्टिंग का, वो कैसे आप पता करते हैं, इसका फ्यूज बर्न हो गया है। देखिए, अगर इसका फ्यूज अगर पूरी तरीके से बर्न हो जाता है तो हम क्या करते हैं, दूसरा फ्यूज डाल देते हैं और फिर वह ख़राब हो जाता है। ये नहीं कि वो चल रहा है, मतलब शॉर्टिंग कहीं पे आगे रहेगी तो फ्यूज आप जितने बार डालेंगे फ्यूज उड़ते रहेगा। अब इसका जो शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग का प्रॉब्लम आता है, वो आता कहाँ से, चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ से आपका लाइन इनपुट होती है, यहाँ से लाइव और न्यूट्रल वायर, ये देखिए, देखिए आप समझिए, गौर कीजिए और पूरा जानने की कोशिश कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि फॉल्ट की पकड़ कैसे होती है। अब यहाँ से इनपुट होती है, देखिए 1 2, तो यहाँ पर से यहाँ पर तक फ्यूज लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ तक फ्यूज का पूरा ये जो ट्रैक है यहाँ तक आ गया और ये ट्रैक यहाँ तक आ गया, ये दोनों, ये लाइव है ये न्यूट्रल है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक सर्किट पूरा करने के लिए पीछे क्या लगा रखा है, यह भी आपको मैं दिखा दूंगा, और यहाँ से यहाँ तक सर्किट पूरा करने के लिए लगा है वो मैं बता देता हूँ। चलिए एक दूसरी पीसीबी आपको उठा के दिखा देता हूँ, ये बार बार पलटूंगा तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा। कुछ इस तरीके से ऐसे इसको ऐसे रख लेता हूँ, बिल्कुल सेम सर्किट बोर्ड है। वो जो दूसरा दिखा था वो अलग है, वो आपको उसमें भी बताऊँगा। तो यहाँ पर, यहाँ से लाइन इनपुट होती है, देखिए यहाँ पर आगे लाइव और न्यूट्रल वायर जो ही आप, अब यहाँ पर आपको बताया था इधर से इधर तक सर्किट को पूरा करने के लिए यहाँ पर कुछ कंपोनेंट लगा होता है, वो ये है, ये है कॉइल। देखिए जस्ट इसके पीछे फिर भी दिखा दे, ये है कॉइल। अब इसकी कोडिंग भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पर L1 जो लिखा है, L आप L समझ लीजिए, कहीं पर सर्किट बोर्ड पर अगर L लिखा होता है तो समझ लीजिए वहाँ पर कॉइल है। जैसे कि यहाँ पर भी एक सेकेंड में कॉइल है, देख सकते हैं यहाँ पर, ये कॉइल है। तो कॉइल अलग अलग शेप में हो सकती है, अलग अलग टाइप में हो सकती है, तो वो आपको फिर किसी वीडियो में बता दूंगा। तो आपको बता दिया यहाँ पर L3, तो यहाँ पर L बोले तो कॉइल, ये आपने समझ लिया, नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए अगर आपको कुछ नया सीखना है और अच्छी तरह सीखना है तो ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अगर आपको बोरिंग टॉपिक लग रहा है, सीखना नहीं है, तो यहीं पर वीडियो छोड़ सकते हैं। तो मैं समझाऊंगा, बहुत धीरे तरीके से समझाऊंगा और बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा और बिल्कुल डीपली समझाऊंगा, तो आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो है, इसके दो पार्ट होते हैं, 1 एंड 2, पहला और दूसरा। अब ये नहीं कि ट्रांसफार्मर की तरह आपको यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी मिल रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं।
यहाँ पर सीरीज को पूरा करने के लिए एक टायर यहाँ से उठी और घुमा के वहाँ से उसको आउट दे दिया ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। एक ये है एक ये है, वहाँ से सीरीज बना के, मतलब जैसे आपका सीरीज में ये लगा होता है वैसे ही सीरीज में इसके दो पार्ट लगे होते हैं। यहाँ से एक से लाइव निकला और यहाँ से निकल गया ब्रिज रेक्टिफायर, एक से न्यूट्रल निकला यहाँ से यहाँ को। अब क्या है कि देखिए, अगर ये ख़राब हो जाता है तो इसकी जगह पर आप इजीली जंपर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको में दिक्कत क्या देखने को मिलेगी, आपको पिक्चर क्वालिटी में कुछ दिक्कत मिल सकती है, आपको स्क्रीन पे कुछ आपको झर्रियाँ सी दिखने को मिल सकती हैं। तो रिकमेंड यही करूँगा कि ये ख़राब हो जाता है जंपर ना मारने के बजाय आप इसको डायरेक्ट क्या है कि यहाँ पर कॉइल ही डाल दीजिए। तो यहाँ पर भले ही आप दूसरी कॉइल डालिएगा, इस साइज़ की ना हो कोई बात नहीं, दूसरी साइज़ की डालिएगा, लेकिन कॉइल जरूर डालिएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मोटी वाली कॉइल इसमें इस्तेमाल हुई है, कोई बात नहीं, कॉइल जरूर डालिएगा। तो ये जब कॉइल ख़राब हो जाती है, अभी फुल शॉर्टिंग का जो है बाद में बताऊंगा, पहले कॉइल तक हम पहुंच गए तो कॉइल का ही समझा देता हूं। जब कॉइल ख़राब हो जाती है तो इसको चेक कैसे किया जाता है, अब देखिए, तो यहाँ पर सीरीज को पूरा करने के लिए जो कॉइल लगी है उसको हम चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले हम कॉइल को ही चेक करेंगे, हम सीरियल वाइज चलेंगे, यहाँ से ये है लाइन यहाँ तक, यहाँ से ये सर्किट को पूरा करने के कॉइल का एक पार्ट ही है। देखिए बीप मारा, बिल्कुल ओके है, मल्टीमीटर को आपने कंटिन्यूटी पर रखना है, देखिए यहाँ पर, उसके बाद ही इसको चेक करना है। ये देखिए इस तरफ का चेक करते हैं, बिल्कुल ओके है। अगर कॉइल ख़राब होती है तो किसी एक साइड में या दोनों साइड पे आपको कोई भी यहाँ पर ओम से या फिर कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा, ठीक है, कॉइल की खराबी या सही की पहचान आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं ब्रिज रेक्टिफायर की तरफ। अब ये चार डायोड का मिलकर बना होता है ब्रिज रेक्टिफायर, बनाना नहीं आता है तो वो भी आपको सिखा दूंगा, कमेंट जरूर करना, जो चीज़ नहीं आती तो बिल्कुल कमेंट आप कर सकते हो, मोस्ट वेलकम है आपके कमेंट का मेरे को, और मैं कोशिश करूंगा आपको हर तरीके से कुछ ना कुछ नया सिखाने की। इसमें जो डायोड यूज होती है IN4007 या फिर 1N4007 जो भी आप इसको बुलाते हैं। देखिए यहाँ पर जो डायोड इस्तेमाल हुई है इसका रेक्टिफायर बना, और रेक्टिफायर जो है आपको AC से DC बना के देगा। तो यहाँ से AC इनपुट होता है 220 वोल्ट, और वहाँ से DC थोड़ा सा ज़्यादा उसमें से निकलेगा। अब एक्यूरेट चेक करने पर ही पता चलेगा, यहाँ पर सिर्फ मैं अभी आपको एक थ्योरी बता रहा हूँ। अब जो है कि सबसे पहले आपको डायोड चेक करना बता देता हूँ। कभी भी आपका फुल शॉर्टिंग हो रहा है तो आपने क्या करना है, जैसे आपने फ्यूज बाँधा, उड़ गया, बाँधा, उड़ गया, बाँधा, उड़ गया, तो आपने डायोड चेक करना है। डायोड सबसे पहला जो फुल शॉर्टिंग का प्रॉब्लम आता है डायोड ख़राब होने की वजह से भी आता है। बेसिकली दो डायोड ख़राब होते हैं, फिर भी आपने चेक सारे ही करने हैं, वो आपको आपको तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो मैं बता देता हूँ। इसमें दो पार्ट होते हैं, कैथोड और एनोड। देखिए आपको कैथोड एनोड नहीं पता होगा तो मैं प्लस माइनस ही बता देता हूँ। चलिए डायोड के बारे में पूरी डिटेल की एक वीडियो मैंने बनाई है, आप जाके देख सकते हैं, कुछ दिनों पहले अपलोड की थी, एंड इसमें दे दूँगा, देख सकते हैं। अब ये जो है पार्ट इसका पॉजिटिव का है और ये है नेगेटिव का, सिल्वर पट्टी नेगेटिव की, ये काफ़ी लोग इसे पॉजिटिव भी बोलेंगे क्योंकि यहाँ से जो है इनपुट होती है, यहाँ पर पॉजिटिव ही हमें मिलता है। तो भाई प्रैक्टिकल अलग और थ्योरिकल बिल्कुल अलग होता है, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव यहाँ पर इनपुट देंगे तो यहाँ से आपको पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन यहाँ पर थ्योरिकल मतलब इसको थ्योरी में इसको नेगेटिव बोला जाता है। तो आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए कि भाई कौन सा आप पॉजिटिव मानते हैं और कौन सा नेगेटिव मानते हैं। भाई हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकली पर ज़्यादा जोर हम लोग देते हैं, तो यहाँ से आपका पॉजिटिव इनपुट होता है तो यहाँ से नेगेटिव मतलब पॉजिटिव निकल जाता है हमारा, क्योंकि ये फॉरवर्ड आइस पे लगी रहती है। अभी देखिए अगर यहाँ पर इसको जो हमने चेक करना है, एक डायोड में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए अब आपको बोर्ड पे लगे लगे क्या चेक करवाऊँ, उससे पहले आपको एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। नॉर्मली यहाँ पर एक डायोड लगी हुई है, देखिए ये है डायोड, सॉरी मेरे पास एक डायोड है, यहाँ से हमने पॉजिटिव लगानी है और यहाँ पर नेगेटिव। देखिए इसको हमने नेगेटिव को इसके सिल्वर पट्टी में लगा लिया और पॉजिटिव को यहाँ पर ब्लैक पट्टी में। वहाँ पर आप देखिए कुछ ना कुछ आपको डिजिट शो हो रहा है, देखिए बिल्कुल। अगर डिजिट शो होने के बजाय आपको कुछ कंटिन्यूटी मिलती है यहाँ पर, या फिर फुल शॉर्टिंग की यहाँ पर आती है यहाँ पर बीप, तो समझ लीजिए डायोड ख़राब है, और डायोड इसी तरफ से डिजिट देगा, बिल्कुल ये पोजीशन रहेगी रेड प्रोब ब्लैक साइड को और ब्लैक प्रोब पट्टी के साइड को। अब बिल्कुल उल्टा करते हैं इसको, देखिए कोई भी वहाँ पर डिजिट शो नहीं करेगा। अगर दोनों तरफ से डिजिट शो करता है या फिर दोनों तरफ से डिजिट शो नहीं करता या बीप मारता है तो आप क्या समझ लीजिए ख़राब है। ये जब सही होता है सिर्फ एक तरफ से ही यहाँ पर कुछ डिजिट शो करेगा, जो 4001 वाली डायोड रहती है वो 550 के आसपास वहाँ पर डिजिट शो करती है, हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा भी करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीप नहीं मानी चाहिए। वैसे ही आपने यहाँ पर बिल्कुल, अब एक आपको दूसरी डायोड में अब इसमें चेक करवा के बता देता हूँ। देखिए एक तरफ से हमें कुछ डिजिट शो और एक तरफ से नहीं, हम सीरीज वाइज चेक करेंगे। देखिए ये चेक करते हैं,
तो बिल्कुल ओके है, ये चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर उल्टी लगी है, तो एक उल्टी एक सुल्टी एक उल्टी एक सुल्टी ऐसे लगी रहती है क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे है, तो हमने सारी चेक करनी है। बीप नहीं मानी चाहिए किसी में भी, भले डिजिट शो करे ना करे। देखिए यहाँ पर शो करेगा क्योंकि यहाँ पर पोजिशन लगी। अब इसको उल्टा करेंगे, बीच की दो हैं उनमें डिजिट हमें शो करेगा। सॉरी ये थोड़ा सा हड़पड़ होगी तो बोलूँ। अब क्या कि इसको हमने चेक कर लिया तो ये बिल्कुल ओके है। ख़राब होती है तो बीप मारेगा, कोई एक डायोड या कोई दो डायोड बीप मारेंगी। बीप मारती है तो एक डायोड या दो डायोड ख़राब है। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा भाई, आप अगर एक डायोड भी ख़राब होती है तो सारी की सारी आप क्या है कि चेंज कर लीजिए। बाकी आपकी इच्छा, एक डायोड चेंज करेंगे फिर भी आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप सारी की सारी डायोड चेक वो सॉरी चेंज कर लीजिए। तो ये एक डायोड ख़राब होने की वजह से आप फुल शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। अब कभी भी आप इसको चेक करते हैं तो सीरीज पर ही चेक कीजिएगा। अब बात करते हैं डायोड के बाद, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर देखिए, बिल्कुल यहाँ पर देखिए, ये देखिएगा डायोड के बाद हमें जो करंट यहाँ पर निकल के आ रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी होती है ये वाली, उस रेजिस्टेंस को आप चेक कर लीजिए। चलिए यहाँ पर फिर ये भी बता देता हूँ आप लोगों को, रेजिस्टेंस या डायोड चेक करनी भी साथ में बता देता हूँ, बहुत सारे टॉपिक हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 600 मतलब 600 ओम्स की यहाँ पर बता रहा है। चलिए थोड़ा सा उठा के इसको देखते हैं लगभग कितना ओम्स यहाँ पर है, क्लियर हमें बाद में ही पता चलेगा ऊपर उठाने के बाद। तो यहाँ पर हो सकता है और ऊपर उठा के हमें देखना पड़े तभी हमको हमें क्लियर पता चल पाएगा। तो एक मिनट, तो यहाँ पर ये है 600 ओम्स की यहाँ पर दिखा रहा है। अगर कुछ नहीं दिखा रहा है, मतलब कुछ ओम्स भी नहीं दिखा रहा है, तो समझ लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस ख़राब है। रेजिस्टेंस जब सही होता है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर डिजिट शो करेगा। लेकिन अगर आप इसके बारे में डिटेल से देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं रेजिस्टेंस के, उसकी वीडियो मैंने अपलोड करी है तो वो भी आपको एंड स्क्रीन पर दे दूँगा, वो भी आप देख सकते हैं सीख सकते हैं। तो अब वैसे ही इन डायोड को भी चेक करना है। देखिए अब आपको यहाँ से बता देता हूँ, बिल्कुल ब्रिज रेक्टिफायर का बता दिया और उसके बाद जो फुल शॉर्टिंग की जो समस्या आती है इससे आती है, ये जो मेन कैपेसिटर होता है 450 वोल्ट और 47 माइक्रोफेरेड या म्यूएफ भी बोलते हैं इसको, म्यू का ये निशान है, तो इससे भी फुल शॉर्टिंग अगर ये ख़राब होता है, पूरी तरीके से शॉर्ट होता है, तो बार बार आपका फ्यूज उड़ते रहेगा। और कभी भी आपका ये डायोड वगैरह ख़राब होती हैं तो साथ में इसको भी चेंज कर लीजिए, तो फिर आपका बिल्कुल पीसीबी बिल्कुल फ्रेश वर्क करेगा। यहाँ पर डायोड चेंज करने के साथ इसको भी बदल दीजिए। तो फुल शॉर्टिंग की प्रॉब्लम डायोड से, इस कैपेसिटर से आती है। और जो नेक्स्ट जो है सबसे बड़ी जो फुल शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आती है किससे आती है मैं बता देता हूँ। आपके सारे कंपोनेंट आपने चेक कर लिए, प्राइमरी सेक्शन के मतलब ट्रांसफार्मर से इधर इधर के सारे चेक कर लिए, आपने इस कैपेसिटर को भी चेक कर लिया। देखिए कैपेसिटर को भी चेक करना बता देता हूँ साथ में, इसी वाले को चेक करता हूँ। कैपेसिटर को बीप नहीं माना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये कैपेसिटर है, कुछ डिजिट शो करके डाउन हो जाएगा या डिजिट ऊपर हाई भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीप नहीं माना चाहिए कोई भी कैपेसिटर, भले उल्टा आप चेक करें सुल्टा चेक करें, ठीक है। तो यहाँ पर कैपेसिटर ओके है, वैसे ही रेजिस्टेंस का भी बता दिया। और ये जो है ये ब्लू वाला, देखिए ये ब्लू वाला भी कैपेसिटर ही है, तो ये देखिए इसको भी हम चेक करेंगे। तो इसमें कोई बीप नहीं देना चाहिए, देखिए देखिए कुछ डिजिट शो हुआ, कोई बात नहीं होने दो, बस कंटिन्यूटी या फुल शॉर्टिंग यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये भी आपको बता दिया। और ये भी कैपेसिटर है, इसके ख़राब होने की वजह से फुल शॉर्टिंग की प्रॉब्लम तो नहीं आती है, लेकिन आपके फ्री डिस्क के सेट ऑफ बॉक्स में जो है वह करंट मारता है। अगर आपका फ्री डिस्क का सेट ऑफ बॉक्स अर्थिंग मार रहा है, मतलब आपने उसको छू लिया और करंट मार रहा है काफ़ी तेज़ का, तो वहाँ पर उस सिचुएशन में आपने इस वाले कैपेसिटर को चेंज कर लेना है, क्योंकि ये यहाँ से प्राइमरी सेक्शन से सेकेंडरी सेक्शन तक ये पूरा न्यूट्रल, पूरा बॉडी तक न्यूट्रल रहता है। अभी आपको मैं वो भी बता दूंगा यहाँ पर। चलिए ये देखिए यहाँ से ये है, ये कैपेसिटर का पिछला वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ग्राउंड के होंगे कैपेसिटर उनमें सब में जुड़ा होगा। ये देखिए ये है यहाँ पर, और यहाँ पर ये, चलिए इस कैपेसिटर की यहाँ इस वाली लेग में देखते हैं। तो यहाँ पर इस तरफ देखिएगा ये ग्राउंड का, देखिए नेगेटिव का है, तो ये पूरे ग्राउंड से, हर कैपेसिटर के ग्राउंड से ये जुड़ा रहता है। इसकी ये लगे आप यहाँ पर ही देख लीजिए, ये देखिएगा यहाँ पर, ये दूसरा वाला जो है वो ग्राउंड का होता है। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर होल्ड कर लिया, देखिए ये देखिए क्या है, ग्राउंड का, जी ग्राउंड का। तो सभी ग्राउंड से इसकी एक लेग जुड़ी रहती है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो बॉडी में हमारा करंट मारता है, तो इसको आप चेंज कर लीजिए। अब बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं फुल शॉर्टिंग की। यहाँ पर इस डायोड को भी आपने ऐसे ही चेक करना है जैसे इसको करना है।
तो यहाँ पर डीसी डायोड भी होती हैं, कुछ एसी डायोड भी होती हैं, उनके बारे में मैंने डिटेल से बताया पहले, उसको भी आप जरूर देखिएगा साथ में, और रेजिस्टेंस का भी देख ही लीजिएगा। तो फुल शॉर्टिंग की प्रॉब्लम इन डायोड से, इससे और इससे, जब ये सारे कंपोनेंट हमारे ओके निकलते हैं। और हाँ, ये क्या है ये भी बता देता हूँ, चलिए, ये भी कैपेसिटर ही है, ये बॉक्स टाइप कैपेसिटर है। कैपेसिटर के बहुत सारे टाइप होते हैं, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा और डीपली आपको समझाने के लिए। तो बॉक्स टाइप कैपेसिटर है, तो यहाँ पर जो है इसका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, इनका भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है, इनमें सिर्फ ये वाले का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव हिस्सा है, ये है पॉजिटिव हिस्सा। तो और बोर्ड पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव देखें, तो बोर्ड पे कैपेसिटर का ये जो ये डिजाइन हिस्सा है, ये है नेगेटिव का, और ये खाली वाला हिस्सा पॉजिटिव का है। ठीक है, ये तो आपने क्लियर हो गया। अब देखिएगा, फुल शॉर्टिंग की जो समस्या आती है, या तो इन डायोड के ख़राब होने से, या इसके ख़राब होने से, या कोई भी इस प्राइमरी सेक्शन में कोई भी डायोड लगी है, अगर वो ख़राब है तो आपका बार बार फ्यूज उड़ेगा और शॉर्टिंग बताएगा। और लास्ट, जब सारे कंपोनेंट सही है, तो लास्ट में आपने ये आईसी आपने चेंज कर लेनी है। भाई, आईसी को चेक करने का तरीका नहीं है, सिर्फ आप चेंज ही कर लीजिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास कोई मेथड हो इसका, लेकिन मेरे पास कोई मेथड नहीं है, जो मेरे को आता है वो ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ। अब क्या है कि इसको आपने चेंज करके देख लेना है, ये नहीं कि आपने उठा ली और चार लेग की कोई भी दूसरे वाले की डाल दी, नहीं, आपने यहाँ पर नंबर देखना है। भाई, यहाँ पर कुछ नंबर हमारे को दिख रहे हैं, देखिए, एक मिनट आपको दिखाऊं, तो इसमें क्लियर करके क्या दिखाऊं, बिल्कुल कैमरे की क्वालिटी थोड़ा सा दिक्कत कर रही है, तो ये देख लीजिए, आपको थोड़ा सा दिखाएं। यहाँ पर देखिए कुछ हमारे को मिल रहा है 1380 2200, 1380 2200 करके इसमें लिखा हुआ है। तो हर किसी उसमें अलग अलग हो सकता है, होता नहीं है, ये अगर ये सेम है तो बिल्कुल सेम ही होगा, और ये जो इंडिया वाले आते हैं इनमें थोड़ा सा अलग रहती है नंबर, तो इनका आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो फुल शॉर्टिंग की जो समस्या है, लास्ट स्टेप जब आपने देखना है सारे कंपोनेंट के बाद, तो आईसी हटा के देख लेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर भी नहीं हो रहा तो आपने ऑप्टो कपलर आईसी जो है उसको आपने बदल लेना है। देखिए, इससे भी फुल शॉर्टिंग की समस्या आ सकती है। तो ज़्यादातर केसेज में आपके डायोड से, कैपेसिटर से नहीं भी, आप डायोड से और ऐसी से ही मेन प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो फुल शॉर्टिंग की आपको बता दी, ये प्राइमरी सेक्शन का हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है। साथ में आपको बता दिया कि बॉडी करंट मारे तो इस वाले कैपेसिटर को हटाए, ऑप्टो कपलर के जस्ट बगल में जो आपका कैपेसिटर लगा है उसको चेंज कर लीजिए, आपकी बॉडी में करंट मारना ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी में बहुत सारे फॉल्ट आते हैं, जैसे कि 5 वोल्ट मिसिंग, 3.3 वोल्ट मिसिंग, और 24 वोल्ट कम आ रही है, या 12 वोल्ट कम आ रही है, या 3.3 वोल्ट कम आ रही है, या मिसिंग होना है, कम होना, ये किस वजह से होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। या फिर नेटवर्क जो ये वोल्टेज आपको यहाँ पर दिख रही है वो अगर थोड़ा गड़बड़ा जाती है तो आपको कुछ ना कुछ समस्या देखने को मिल सकती है, जैसे कि वीक सिग्नल, नो सिग्नल, या फिर आपको पिक्चर क्वालिटी में प्रॉब्लम, या बहुत सारी चीज़ें आपको देख सकती हैं। ज़्यादातर जो केसेज में वीक सिग्नल या नो सिग्नल की ही समस्या आपको देखने के लिए मिलती है। और आपको एक मेन चीज़ और बता दूं, इस सप्लाई से आप 12 वोल्ट क्या है कि एडोप्टर की तरह भी इस सप्लाई को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो ये लगा हुआ है यहाँ से 12 वोल्ट हमें मिलती है। एम्पियर थोड़ा सा कम मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑडियो बोर्ड लगता है 6283, उसके लिए यहीं से उठाई जाती है आपकी वोल्टेज, तो यहाँ पर एम्पियर तो हो सकता है थोड़ा सा कम मिले, 1 एम्पियर से कम ही मिलेगा। तो यहाँ से आप इसको एज आप SMPS की तरह, एज ए पावर सप्लाई की तरह 12 वोल्ट की यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मात्र यह है कितने में, 50, 60, 70 रुपये, 80 रुपये तक मिल जाएगा यार, इसका कोई फिक्स प्राइस मैं नहीं बता पाऊँगा। तो यहाँ पर इसको ले लीजिए और यहाँ से 12 वोल्ट उठा के आप 12 वोल्ट कोई भी कंपोनेंट या फिर कोई भी आप सिस्टम चला सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकेंडरी फॉल्ट की। तो यहाँ पर सेकेंडरी फॉल्ट में अगर आपको ट्रांजिस्टर, सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपको ट्रांजिस्टर चेक करना नहीं आता तो उस पर मैंने वीडियो बना दी है, वो भी आप देख सकते हैं, आपको आई बटन या एंड स्क्रीन पर देने की कोशिश करूँगा। तो इस अगर इस कंपोनेंट को भी आप, ये ट्रांजिस्टर है, इसको आप अगर चेक करना सीख जाएंगे तो हो सकता है आपका प्रॉब्लम और ज़्यादा सॉल्यूशन आपके लिए हो जाए, मतलब और ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल जाए। तो रेजिस्टेंस का आपको बता दिया, वीडियो भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दे दिया था। तो ट्रांजिस्टर देखिए यहाँ पर, एक चलिए एक ट्रांजिस्टर चेक करना यहाँ पर साथ में भी बता देता हूँ। तो ये ट्रांजिस्टर मेरे पास है, ज़रूरी नहीं कि ये और ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल एक ही नंबर के हो, लेकिन मेथड इनको चेक करने का बिल्कुल सेम होगा। ट्रांजिस्टर के बहुत सारे टाइप होते हैं, इस पर वीडियो बना दिए, डिटेल वहीं पर जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको बता देता हूँ ट्रांजिस्टर की तीनों, सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को आपने यहाँ पर बजर या कंटिन्यूटी पे रखना है। अब ट्रांजिस्टर की तीनों लेग में आपस में इसको लगाना, हमने ये प्रोब्स को फर्स्ट में इसको रेड को ही लगा लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम रेड को ही लगाएं, रेड को लगा लेते कोई बात नहीं, ब्लैक को भी लगा लीजिए। अब दूसरी पिन में इसको ब्लैक को जोड़ देते हैं। देखिए तो वहाँ पर मल्टीमीटर में आपको दिखाऊं, तो मल्टीमीटर में ध्यान दीजिएगा, मल्टीमीटर में आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ डिजिट शो हो रहा है। अब लास्ट वाली लेग में चेक करते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ डिजिट शो हो रहा है। बस
इसमें आपस में तीनों लोगों में किसी में भी हमें कंटिन्यूटी या बी नहीं मिलना चाहिए, ऐसा ऐसा वाला। तो मान लीजिए इसमें कुछ कंटिन्यू हमें ओम्स हो रहे, अगर यहाँ पर बीप ऐसे मारता तो समझ लीजिए ट्रांजिट खराब है। मतलब आपस में तीनों लेग में कोई दो लेग शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ ओम शो कर सकता है, बस शॉर्टिंग वहाँ पर नहीं दिखानी चाहिए ऐसी वाली। मान लीजिए आपने लास्ट में लगा दिया तो बीप मार रहा है तो समझ लीजिए वो ट्रांजिस्टर ख़राब है। ऐसे ही आपने ट्रांजिस्टर वाला चेक करना है। अगर आपको सेकेंडरी में थोड़ा सा फॉल्ट लग रहा है, सारे कंपोनेंट आपको बिल्कुल ओके लग रहे हैं, सारे कंपोनेंट में क्या है आपको ये दिखा दिया, आपको डायोड चेक करना बता दिया आपको, तो ये डीसी डायोड है। आपको बता दूँ, अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको डिटेल समझ में आ गया डायोड वाली। तो ये डीसी डायोड है, एसआर डायोड, एफआर डायोड, एसएफ डायोड, जो भी डायोड है ये कि स्विचिंग का भी काम करते हैं, उनका अलग अलग काम रहता है, और फास्ट ट्रांसफर के लिए भी काम आते हैं, जैसे कि ये अल्ट्रा फास्ट और सुपर फास्ट और हाइपर फास्ट, ऐसे करके इनके कुछ नाम होते हैं, और इनकी पहचान या जो डिटेल मैं आपको बता दिया। अब बाकी चेक करने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर ऐसे करके इसको चेक करेंगे, यहाँ पर कैपेसिटर लगा है, इस वजह से थोड़ा यहाँ पर ये दोनों तरफ को यहाँ पर कुछ डिजिट शो कर सकता है। अभी कैपेसिटर चार्ज हो गया, इसको एक साइड से और चेक करते हैं। जैसे इसको जिसका जो एक्चुअल मेथड होता है, प्लस को प्लस में, माइनस को माइनस में, देखिए तो यहाँ पर देखिए इतना इसका जो भी वैल्यू होगा वो दिखाएगा। बस बीप नहीं मारना चाहिए, कुछ देर बीप मार के बंद हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर कुछ कैपेसिटर हमारे लगे हुए हैं इनकी वजह से। तो देखिए इनको भी चेक कर लिया, इनको भी चेक कर लिया, मतलब डायोड का जो चेक करने का मेथड होगा बिल्कुल वैसे ही रहेगा, और फुल शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। और इन कैपेसिटर को भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या है कि आपको वीक सिग्नल या नो सिग्नल की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर, चलिए इसको बंद कर लेता हूँ। अब 3.3 वोल्ट से स्टार्ट करते हैं। आपको 3.3 वोल्ट मिसिंग हो रही है, मतलब नहीं मिल रही है, या फिर कम मिल रही है, इससे कम मिल रही है, ज़्यादा मिल सकती है कोई बात नहीं, क्योंकि लोड में पड़ने पर आपको वो वहाँ पर आपको एक्चुअल वोल्टेज वहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाती है। अगर 3 से कम मिल रही है तो आप क्या कीजिए, सबसे लास्ट वाली से मैं शुरू करता हूँ, लास्ट 24 तक आपको बता दूंगा, ये वाली 3.3। अब यहाँ पर एक मिनट, इसको हम ट्रैक करते हैं, देखिए सबसे लास्ट वाले इसको हम ट्रैक करते हैं, देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा सबसे लास्ट वाली। अब ये है, यहाँ पर क्या है कंपोनेंट देखते हैं जरा भाई, यहाँ पर डायोड है। अगर आपकी 3.3 वोल्ट मिस कर रही है या ख़राब है, मतलब नहीं आ रही है, या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कम की, तो इस डायोड को आप चेक करेंगे भाई। फुल शॉर्टिंग नहीं भी बताता है तो इस डायोड को चेंज करके आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। आपको लास्ट में और बताऊंगा कि नो सिग्नल या वीक सिग्नल की प्रॉब्लम किससे आती है, वो भी आपको लास्ट में बताऊंगा, पूरी वीडियो जरूर देखना, इसलिए कहता हूँ स्किप ना करें। तो इस डायोड को आपने चेक करना है, ख़राब है तो आपको वहाँ पर कुछ वोल्ट नहीं मिलेगी, अगर बिल्कुल ओके है तो वहाँ पर आपको कुछ वोल्ट मिल सकती है, लेकिन कम मिल रही है तो इसको चेंज ही कर लीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा भाई इसको चेंज ही कर लीजिए, अगर कम मिल रही है तो। फिर भी आपको नहीं मिलती है तो वहाँ पर इस तार को कट करके यहाँ पर लगा लीजिए, यहाँ पर आपको मतलब आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर डायोड चेक कर ली, डायोड ओके है, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर से यहाँ तक क्या है, देखिए यहाँ पर से यहाँ तक कुछ ना कुछ जा रहा है, तो यहाँ पर डायोड जा रही है भाई, ये डायोड, तो ये डायोड जा रही है यहाँ पर, ये 5 वोल्ट पे, देखिए ये है 5 वोल्ट की पिन, लास्ट वाली 5 वोल्ट की, तो 5 वोल्ट से कन्वर्ट होकर हमें 3 वोल्ट यहाँ पर मिल रही है। एक मिनट, यहाँ पर 5 वोल्ट से हम लोग 5 वोल्ट पर चेक करते हैं, देखिए ये देखिए 5 वोल्ट का ही है, तो यहीं से हमें कम होकर यहाँ पर 3 वोल्ट यहाँ पर मिल रही है। तो हमने कुछ नहीं करना है, एक 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 इस डायोड को चेक करना है 3 वोल्ट के लिए, और एक इस डायोड को चेक करना है 3 वोल्ट के लिए, अगर 3 वोल्ट की यहाँ पर समस्या आ रही है तो, ठीक है, वो आपका सॉल्यूशन हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर 3 वोल्ट के बाद हमें दूसरी नंबर में कौन सी हमें वोल्ट देखनी है, एक मिनट, ये ग्राउंड का है, ग्राउंड तो आप इसकी क्यों समझने की ज़रूरत नहीं है, 12 वोल्ट का, 30 नंबर का, 12 वोल्ट का, देखिए भाई अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट लास्ट में ज़रूर छोड़ देना, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा सिखाया हुआ आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा देगा। यह है 12 वोल्ट का, देखिए 12 वोल्ट का है, तो यहाँ पर देखिए ये 12 वोल्ट का ये जो ट्रैक जा रहा है ये पक्का कैपेसिटर होगा इसकी जो है फिल्ट्रेशन के लिए। एक मिनट इसको हम दिखा देते हैं, ये देखिए इसके जस्ट पीछे एक कैपेसिटर है इसकी फिल्ट्रेशन के लिए, तो इस कैपेसिटर को भी आप चेक कीजिए, अगर 12 वोल्ट में दिक्कत आ रही है तो आपने कैपेसिटर को भी चेक करने हैं, सारे कैपेसिटर चेंज करके देखने, चेक क्या करेंगे आप कैपेसिटर को, तो फुल शॉर्टिंग नहीं बताते, लेकिन यहाँ पर इसकी जो पावर है थोड़ा सा कम हो जाती है, आप चेंज कर लीजिए।
अगर वीक सिग्नल या नो सिग्नल की प्रॉब्लम आए तो सारे कैपेसिटर आप चेंज करके एक बार देख लीजिएगा, उतने ही वोल्ट के आप लगाइएगा। जैसे यहाँ पर 16 वोल्ट है तो आप थोड़ा सा ऊपर लगा सकते हैं, 25 वोल्ट तक यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइक्रोफेरेड आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। कोई वहाँ पर वो कोई ये नियम नहीं है कि आपने 16 वोल्ट का ही लगाना है। अब यहाँ पर तो हमने बता दिया कैपेसिटर की जो है वैल्यू, हमने कैपेसिटर हमने देख लेना है या चेंज करके देख लेना है। 12 वोल्ट की अगर समस्या आ रही है तो, अगर बिल्कुल डेड है 12 वोल्ट तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये है, तो यहाँ से यहाँ तक एक डायोड जा रही है, ये वाली डायोड को हमने देख लेना है, सी वाली, ये देखिए ये वाली डायोड, ठीक है, ये है डायोड। अब FR डायोड है ये, फास्ट रिकवरी डायोड है ये, तो इसको भी हमने देख लेना है। अगर ये बिल्कुल ख़राब होगी तो बीप मारेगी, अगर ख़राब नहीं है तो यहाँ पर आपको दूसरी वाली लगा के देख लेनी है, तो वहाँ पर 12 वोल्ट की आपकी समस्या जो है का जो है सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से ही आपका जो है यहाँ पर डायोड के थ्रू यहाँ पर आपको 12 वोल्ट मिलती है, ठीक है, ये तो आपने जान लिया। अब यहाँ पर 1, 2 आपको 3.3 बता दिया, ये ग्राउंड है, ये 12 वोल्ट बता दिया। अब चौथे नंबर की क्या है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, 1, 2, 3, 4 24 वोल्ट, ठीक है, ये देखिए 24 वोल्ट इसमें चौथे नंबर की यहाँ से स्टार्ट है। समझिए, पूरी वीडियो देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको कुछ ना कुछ हाथ लग ही जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ नॉलेज मिल ही जाएगा। तो ये देखिएगा 24 वोल्ट है, ये देखिएगा यहाँ पर कैपेसिटर होगा क्योंकि यहाँ पर फिल्ट्रेशन इसके जस्ट बगल में, ये वाली और दूसरे नंबर की इधर वाली जो है ग्राउंड की पिन है, तो ग्राउंड के साथ यहाँ पर इसको कैपेसिटर के साथ फिल्ट्रेशन के लिए लगाया रहता है। तो अब यहाँ से 24 वोल्ट को हम लोग ट्रैक करते, देखिए ये है, तो यहाँ पर एक डायोड हमारी लगी हुई है, हर किसी वोल्टेज में डायोड लगी रहती है, ठीक है, ये आपने समझ लेना है। तो इस डायोड को आपने, चौथे नंबर की जो डायोड है इसको आपने चेक कर लेना है, ये वाली को, ठीक है, ये भी आपने चेक कर ली, ओके है। तो आप इसको इसके साथ मेरा अभी तक का अनुभव है, अगर चेक करके तो बिल्कुल ओके निकलेगी, लेकिन आपको यहाँ पर 12 वोल्ट अप डाउन मिसिंग होगी, तो आप मेरे हिसाब से चेक करने से अच्छा है कि आप इसको उठाइए, जिस भी वोल्टेज की आपको शॉर्टिंग ख़राब लग रही है या आपको लग रही कि एक्यूरेट नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ से ट्रैक को उठा के उस डायोड को आप हटा के उसी नंबर की यहाँ पर डायोड लगा लीजिए। ये नहीं कि आपने FR डायोड उठाई तो वहाँ पर आपने SF लगा दी है, SR लगा दी, नहीं, आपने जो नंबर की यहाँ पर डायोड उठाई है उसी नंबर की वहाँ पर आपने एक्यूरेट लगानी है। साथ में कैपेसिटर भी चेंज कर देना है, जैसे ये वाले जो ट्रैक आपको बताया था मैंने, ये देखिए यहाँ पर जो ट्रैक बताया था, तो इसमें जो कैपेसिटर हमें बीच में मिल रहे हैं तो उनको भी हमने क्या करना है कि कैपेसिटर को जो है हमने चेंज कर लेना है, कैपेसिटर चेंज करना ज़रूरी है। अब सबसे लास्ट में हमें 5 वोल्ट की मिल रही है, तो 5 वोल्ट का यहाँ पर एक डायोड लगी आपको बताया था, जैसे कि एक मिनट, ये देखिए 5 वोल्ट के लिए, एक मिनट आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये लास्ट में 5 वोल्ट की है, तो ये तो चाह रही है यहाँ पर 3.3 बनाने के लिए, ये जो ट्रैक है, ठीक है। अब ये जो ट्रैक है यहाँ पर, ये देखिए ये जो ट्रैक है, ये देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा यहाँ पर एक कैपेसिटर है जस्ट इसके पीछे आप, ये कॉइल है, एक मिनट, जस्ट इसी के पीछे ये है कॉइल, ये है कैपेसिटर, ये वाला आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, ये कॉइल है, ये है कैपेसिटर, ठीक है। तो आपको फिर से मैं ट्रैक करवा के दिखाता हूँ, ये है ये वाला जो ट्रैक हमारा आ गया है, ये तो ये कॉइल लगी है यहाँ पर, तो ये देखिए आपको थोड़ा सा क्लियर करके बताऊँ, ये कैपेसिटर है, तो यहाँ पर से देखिए यहाँ पर क्या हमें कंपोनेंट देखने को मिला, यहाँ पर डायोड देखने को मिल रही है, यहाँ से यहाँ तक एक बड़ी वाली डायोड है, ये देखिएगा क्या है, बड़ी वाली डायोड, ठीक है। इस बड़ी वाली डायोड को भी आपने चेक करना है, ये है SR डायोड है, इसको भी आपने चेक कर लेना है, ये स्विचिंग का भी काम करती है और बहुत सारे इसके काम होते हैं, वो आपको उस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जा रही डायोड को, अब ये वाला जो कि कॉयल का दूसरा हिस्सा हमारा जा रहा है इधर पर, ये यहाँ पर पक्का रेजिस्टेंस होगी, ये देखिए रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस से हमारी यहाँ पर आ रही है, कहाँ पर, यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आ रही है यहाँ पर, तो ये सारे रेजिस्टेंस वगैरह उसी मेथड से आपने चेक करनी है। तो यहाँ पर इसका जो है ये कहाँ पर आ रहा है, इस कैपेसिटर पे आ रहा है, देखिए यहाँ से इस कैपेसिटर से यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर के ये ऑप्टो कपलर के थ्रू यहाँ पर आ रही है। तो ऑप्टो कपलर भाई चेक तो आपको करना एक्यूरेट नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ऑप्टो कपलर चेंज करने के बाद ही आपको यहाँ पर सॉल्यूशन देखने के लिए मिल सकता है। तो ऑप्टो कपलर जो है शॉर्टिंग, अगर आपका ये जो प्राइमरी सेक्शन शॉर्टिंग कर रहा है तो इससे भी हो सकता है, ऑप्टो कपलर से हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर सिचुएशन में इससे ही होता है। तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिसिंग लग रही है, तो आपने ये बड़ी वाली डायोड को चेक कर लेना है और ये रेजिस्टेंस वगैरह देख लेना है, और ये जो ये 104 नंबर ये दिख रहा है आपको, ये
104, ये है एक कैपेसिटर। आप कह रहे होंगे ये क्या चीज़ है भाई, इसके बोर्ड में कोई भी बोर्ड आप पकड़ लीजिए, उसके जस्ट नीचे जो चीज़ लिखी होती है वही उस कंपोनेंट का नाम होगा। जैसे कि चलिए ये है, ये वाला है, ये यहाँ पर है डी बोले तो डायोड, ये जहाँ पर रेजिस्टेंस को आर लिखा होगा, ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर आर लिखा हुआ है ये जस्ट कोने पे, ये कैपेसिटर तो जस्ट इसके यहाँ पर सी, और जहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगे होते हैं वहाँ पर क्यू, जहाँ पर ट्रांसफार्मर टी, जहाँ पर ऑप्टोकपलर वहाँ पर आईसी ही होती है, ओ करके नहीं लिखा रहता है, आईसी ही होती है, ये जो आईसी है यहाँ पर यू लिखा रहेगा, और जीनर डायोड का तो जेड लिखा रहेगा। तो ऐसे करके इसके कुछ सैम्पल या कोड रहते हैं। और साथ में एक चीज़ और बता दूँ, एक चीज़ छूट गई है, ये आपको ये क्या है कि कॉइल, कॉइल यहाँ पर यहाँ से यहाँ तो तक इसको आप चेक करेंगे तो ये क्या है कि यहाँ पर बीप मारेगा, कॉइल कभी भी अगर ओके होती है तो बीप मारती है कुछ ऐसे, देखिए ये कॉइल है तो यहाँ पर बीप मारनी चाहिए इसको कुछ ऐसे, देखिए बिल्कुल थोड़ा सा उठा के दिखा देता हूँ, ये देखिए कॉइल ख़राब होगी तो बीप नहीं मारेगा, क्योंकि ये कॉइल जो है यहाँ से जो है एक बाइंडिंग होते हुए यहाँ तक आती है, मतलब एक ही रहती है पूरी, ये सीरीज में लगी रहती है, और साथ ही कुछ रेजिस्टेंस भी हमारी सीरीज में ही रहती है, तो ज़्यादातर रेजिस्टेंस सीरीज में ही होती है। तो इस बोर्ड में आपको मैंने बता दिया, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है तो सीखने के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर मिला होगा, तो वैसा ही बिल्कुल ऐसा ही मेथड इसमें भी रहता है, बस यहाँ पर क्या होता है इस वाले में फ्यूज की जगह पे यहाँ पर आपको कुछ ओम्स की रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखने को मिल जाएगी, तो ये ख़राब हो जाती तो फ्यूज आप पतली वायर का बांध सकते हैं, और यहाँ पर एक एनटीसी आपको देखने के लिए मिल सकता है जो कि बिल्कुल सीरीज में ही होगा, यहाँ से हमारा इनपुट होएगा, देखिए ये है, तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर इस सर्किट को पूरा करने के लिए एनटीसी यहाँ पर लगा रखा है, तो एनटीसी की टेस्टिंग की वीडियो भी मैंने बना के रखी हुई है, वो भी आपको पूरा पूरा कोशिश करूँगा देने की, तो अगर नहीं आपको दे पाऊँ तो वहाँ पर सर्च करके आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं एनटीसी टेस्टिंग करके, वहाँ पर आपको विथ प्रूफ मैंने बता रखा है। तो यहाँ पर एनटीसी अगर आपको नहीं मिल पाती है तो अगर एनटीसी ख़राब है तो आपका सर्किट डेड होगा, एनटीसी को भी आपने चेक कर लेना है, एनटीसी फुल्ली बीप देगा, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये एनटीसी जो है फ्यूज की तरह वर्क करता है यहाँ पर, लेकिन इसका काम थोड़ा सा अलग होता है, ये देखिएगा ये एक थर्मिस्टर की या थर्मोस्टेट की तरह काम करता है, तो ये देख सकते हैं, ये देख लीजिए आपने, बिल्कुल यहाँ पर बीप मारेगा, ख़राब होगा तो कोई भी बीप नहीं मारेगा। एनटीसी के जस्ट बाद यहाँ पर बिज रेक्टिफायर बना है, देखिए बाकी बिल्कुल वैसा ही है, ये आईसी अलग नंबर की है लेकिन फुल शॉटिंग मारता है, तो आईसी आपने सारे कंपोनेंट चेक करने के बाद आईसी को अपने चेंज कर लेना है, तो बाकी बिल्कुल सेम यहाँ पर होएगा देखने के लिए मिलेगा। बस यहाँ पर आपको जीनर डायोड देखने के लिए यहाँ पर मिल सकती है, देखिए यहाँ पर जीनर आपको मिल सकती है, यहाँ पर आपको 5 वोल्ट पे 5 वोल्ट की जीनर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो बस सारे फॉल्ट का सॉल्यूशन आज आपको मैंने बता दिया, और अगर मौका मिला तो आपको विद प्रैक्टिकल भी मैं बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जो फ्री डिस्क के कार्ड होते हैं इनका फॉल्ट का थोड़ा ऐसे ही डेमो बता दूं, उसके बाद प्रैक्टिकली भी मैं बता दूंगा, और साथ ही मैंने वीडियो पहले भी अपलोड की हैं जिनमें मैंने इसकी रोम आईसी और ये सब आपको नेटवर्क आईसी कैसे चेंज करते हैं ये सब मैंने बता रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, बहुत सारी वीडियो लगभग मैंने डाली हुई हैं अलग अलग फॉल्ट पर मैंने बता रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। और वीडियो भी ये वाली अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक बनता ही बनता है, और इसको शेयर कर दीजिए और हमें पूरा सपोर्ट कीजिए, और हम भी आपको इससे भी बेटर सिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप एक छोटा सा और एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ सकते हैं, तो फिर मुलाकात होगी आपसे अगले बढ़िया से एक टॉपिक में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।